हर सोमवार को बैठना है हम लोगों को, हर मंत्री को, लेकिन इस सोमवार को गांधी जी की जयंती आ गई, छुट्टी का दिन हो गया, तो तारीख बदला गया आज का दिन, तारीख नहीं कहेगा आज, हाँ दिन बदला गया मंगल को। मंगल को पार्टी का आदेश है, मैं हाजिर यहाँ हूँ, लेकिन मैं समझता इस बात को कि वर्षा जो दो तीन दिन से हो रही है, भारी वर्षा हो रही है, लोगों को आने में दिक्कतें हो रही होंगी, इसी कारण है कि लोग आ नहीं रहे हैं, आए नहीं हैं, लेकिन जो भी आए हैं उनका, उनके जो कठिनाई है, उनका जो दुख है, उसको निवारण करना हमको करना है। तो जो जो आ रहे हैं, जहाँ जहाँ से निवारण हुआ, पदाधिकारियों से मैं बात कर ले रहा हूँ, और फिर इनको पदाधिकारी को, संबंधित पदाधिकारी को भेज भी दे रहा हूँ, कंप्लेनेंट जो भी हैं, शिकायत पत्र जो भी, अभी 12:30 तक बैठूँगा मैं, जो भी आएंगे उनके समस्याओं का निराकरण करने की हर कोशिश करेंगे। कुछ कुछ ऐसे समस्याएं हैं जो नहीं भी हो सकती है ना, अब केस लड़ रहा है, जमीन का केस चल रहा है, तो यहाँ हम थोड़े सुनवाई करके कुछ कर सकते हैं, वो तो मामला है सिविल कोर्ट का, कोर्ट में जाना होगा उनको, तो समझा देते हैं कि भैया तू कोर्ट में जाओ। लगातार सब तीसरी बार है, हाँ है? वो लगातार तीसरी जन सुनवाई में वो लड़की डोली, हाँ उसका मामला ये है कि केस है, वो खुद लिख के दे रही है कि पुलिस ने अंतिम प्रतिवेदन साक्ष्य कमी दिया। मैं विभाग में, पुलिस विभाग में रहा, उसका मतलब ये हुआ कि मामला कोर्ट में चला गया, कोर्ट में जाने पर पुलिस का हाथ कट जाता है, तो फिर तरीका ये है कि कोर्ट में खड़ा होकर कंप्लेन लिख दे करके कि नहीं ये गलत रिपोर्ट है पुलिस के, मेरी सुनवाई हो, ये तरीका है, कोर्ट में प्रोटेस्ट करना पड़ता है। तो मैंने वही सलाह दिया कि अगर दे दिया पुलिस ने, गलत गड़बड़ किया है आपके साथ, तो आप कोर्ट में प्रोटेस्ट पिटीशन दे दीजिए, कोर्ट सुनवाई करेगा, अगर कोर्ट कन्विंस हो जाएगा कि आपका कथन सत्य है तो सुनवाई करेगा, ट्रायल करेगा उसका। सर, अभी भी आप देखिए बातचीत में भी आप नाराज दिख रहे थे, गिरिडीह में जो है राशन वितरण को लेकर लगातार सब, ऐसा है कि ये सचमुच में गड़बड़ी हुई, मैं मानता हूँ। एक थे, नाम नहीं लूँगा क्योंकि यहाँ नहीं है, एक चार्ज में DSO के चार्ज में थे, नाम नहीं बताऊँगा, आप जहाँ बात ऑफ द रिकॉर्ड कहिएगा तो बता दूँगा, लेकिन यहाँ रिकॉर्ड में ये मर्यादा है मेरी कि नाम नहीं बताना। उनको कोई अधिकार नहीं है डीलरशिप देने का, लेकिन वो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं, 208 दे दिए। हल्ला हुआ, विभाग में जांच किया और उसको सबको रद्द कर दिया, लेकिन कुछ लोग उसमें अनाज उठा लिए थे, तो जो अब सही आदमी को दिए कि नहीं दिए ये देखना होगा, है ना, और उसमें गड़बड़ी है, वहाँ काफ़ी दिक्कत हो रही है लोगों, मैं समझता हूँ। इसीलिए अभी मैं टेलीफोन से बात किया, दिलीप तिर्की जी हैं, वो डायरेक्टर फूड है, भैया टीम बनाओ, भेजो और जल्दी इसका इंतजार करो, जिसको नहीं मिला है तो कानून में व्यवस्था है, कुछ सरकार देगी, नहीं मिला है तो नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। अगर गड़बड़ी हुई है सचमुच में, अब नहीं मिला है तो सरकार, स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि अनाज उसको दे, जिस महीने का नहीं मिला तो हम कराएंगे, लेकिन जांचों पर आ। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।